नमस्कार, आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है उन दवाइयों के बारे में जिन्हें टेस्ट में फेल बताया गया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर आर के चतुर्वेदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। स्वागत है आप लोगों का। पहला सवाल सर, चलते हैं आपकी तरफ आर के सर, कि ये टेस्ट में फेल होना इसका आशय क्या है, मतलब क्या है? जनता क्या समझे कि पैरासिटामोल टेस्ट में फेल हो गई, यानी क्या हो गया? पैरासिटामोल एज ए कंपाउंड टेस्ट में फेल हो गया या कोई ब्रांड नेम फेल हो गया? जी, समझने की जरूरत यह है कि पूरा पैरासिटामोल कंपाउंड फेल हो गया या कोई ब्रांड नेम पैरासिटामोल का फेल हो गया। जो खबर मुझे आई है कि अगस्त के महीने में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 51 या 52 कंपाउंड को उन्होंने कहा कि भाई आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। टेस्ट में फेल हो चुके हैं तो उसमें से गैस की दवा पैन डी भी है, जो एंटीबायोटिक्स जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए काम करती है क्लेवम वो भी है, अर्सोकोल जो लीवर ज्वाइंटिस को कंट्रोल करने के लिए दवा है वो भी है जी, दर्द और बुखार के लिए काम करने वाली पैरासिटामोल की दवा भी है जो 500 mg वाली। जी हाँ। लोग सर ये मान के चलते हैं कि टेस्ट में फेल हो जाना यानी दवाई का खाने लायक नहीं था और हम गलत खा रहे थे, ऐसा जहन में जब वो अखबारों में सुर्खियां पढ़ते हैं तो आता है। आप उस विषय को और गहराई से बता पाएंगे? देखिए, मेरा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। टेस्ट में फेल होने का कई अर्थ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये रैंडम सैंपल उठाया गया है कहीं से, सपोज हम ये मान लें कि पैन डी नाम का एक कैप्सूल उठाया गया है रांची से और सेम कैप्सूल उठाया गया है कानपुर से, तो दोनों ही कंडीशन में अब जब दोनों को चेक करेंगे तो किसी की एफिकेसी पाई गई है 80% की जी, किसी की एफिकेसी पाई गई है 30% की, ठीक है? दोनों ही हाल में एक तो फेल हो गया एक पास हो गया, सेम कंपनी की दवा एक जगह फेल हो गई एक जगह पास हो गई। जी। कभी कभी ये भी कि वो पर्टिकुलर बैच नंबर का वो दवा इसकी एफिकेसी बिल्कुल ही कमजोर है, ठीक है, या इस बैच की दवा इतनी एक्सपायर्ड पाई गई जी, किस लिहाज से फेल हो गया समझने की ये जरूरत है कि किस लिहाज से फेल हो गया। जी, तो बहुत इस अगर तरह से ये पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है। जी, और जिस तरह की रिपोर्ट अभी आई है इस ऑर्गेनाइजेशन से, ये रिपोर्ट न जाने कब से हर दिन ढेर सारे कंपाउंड फेल होती रहती है, पर ऐसा नहीं है जी कि वो टोटल उसे हटा दिया गया हो मार्केट से। वैसे कंपाउंड जैसे ब्रूफेन है पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में, दूसरे देशों में उसे बैन कर दिया गया था लेकिन हमारे देश में आज भी चलता है। पैरासिटामोल और नेमेसोलाइड का कंपोजिशन कई दूसरे देश में नहीं चलती, हमारे यहाँ चलती है और फ्रीक्वेंटली चलाई जाती है, वो फेल क्यों नहीं है? अच्छा, जब जब भी उसकी क्वालिटी में फेल होती है फार्मा कंपनीज तुरंत से कोर्ट में जा करके स्टे ले लेते हैं जी, वो दवा काम करती रहती है, वो दवा चलती रहती है। इस बार भी सरकार थोड़ी रिजिड हुई है जी, इसलिए ये फला 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 कंपनी के ये कंपाउंड फेल हुई है। अब पैरासिटामोल 500 एमजी की फेल हुई है, लेकिन वही पैरासिटामोल 650 एमजी की फेल नहीं हुई है जी। एक मोटे तौर पर आप समझें तो क्या हम ये समझें कि 50 किलो से कम की जिनकी वजन है उनको बुखार में पैरासिटामोल 500 एमजी की दवा जो देते थे तो उसमें अब ऐसा करें कि वो स्कोर करके 650 एमजी वाली तोड़ करके दे? अच्छा, वैसा दे क्या? नहीं, ये जेन्युइन होगा? ऐसा तो जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो टैबलेट स्कोर टैबलेट बन रही है, जितने क्वांटिटी की जरूरत है उतने को तोड़ के आप दे सकते हैं। तो मतलब हम ये माने कि 500 mg की पैरासिटामोल की दवा जो आपने उठाई है वो फेल हो गई है और 650 mg की दवा पैरासिटामोल फेल नहीं हुई है। ये बात है, ये भ्रामक चीजें जो समाज में आ रही है, ये संभव है कि कुछ स्पूरियस मेडिसिन आई हो जिसकी सैंपल उठा ली गई हो, उसकी जांच हुई तो उसकी एफिकेसी नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं है, और वो मेडिसिन आपने बता रहे कि इनकी क्वालिटी खराब थी इसलिए खाने योग्य नहीं है, इसको बैन कर दिया जी।
लेकिन अब ये भी सरकार को बताना चाहिए, साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए कि आप ये बताइए कि साहब बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं, 50 किलो से कम वजन के लोगों को अगर बुखार होती है और तेज बुखार हो रही है तो पैरासीटामोल देंगे, 500 mg की दवा हम देंगे। अब अगर वो दवा आप हटा देते हैं तो उसके जगह क्या दें, कैसे, उसके बुखार तो ऐसे छोड़ नहीं सकते जी। नहीं तो ब्रेन भी डैमेज होगा, दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होंगे, उसकी जगह क्या देंगे। अच्छा, तो आप कोई भी रोड को अगर आप बंद करते हैं तो उसके अल्टरनेट में कोई तो रोड खड़ा करते हैं ना, तो विकल्पों पर भी बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब का कहना है। चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, एक सवाल यह तो उठता है कि 53 मेडिसिन का टेस्ट में फेल हो जाना, तो क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का दायित्व बनता नहीं है कि ऐसे किसी जांच में या कोई नियंत्रक या कंट्रोलर जब आकर के चेक करे तो वहां पर फेल होने जैसी स्थिति न बने। जी, मैं तो आपको थोड़ा सा विगत पिक्चर में ले जाना चाहूँगा। जैसे कि क्या है कि हम बात करेंगे फार्मा कंपनीज की, बात करें तो फार्मा कंपनीज अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो यूएस का अगर हम देखेंगे, यूएस का इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो सारे के सारे फार्मा कंपनीज और एक आर्म्स कंपनीज, ये दो कंपनीज पूरे पूरे यूएस के इकोनॉमी को चलाती है। जब भी इंडिया यूएस में बात हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, फिर इंडिया या यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, तो हमेशा यही बात आई है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये जो भी एक्स वाई जेड मेडिसिन है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास है, हम ये जो है पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अभी पत्रकार जगत से, चूंकि हम यहाँ प्रभात कर में बैठे हैं, रवि प्रकाश जी जिनकी मृत्यु हो गई है, रवि प्रकाश जी ने भी बार बार इसी बात को उठाते थे कि जो कैंसर की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगी है। और बीच में मुझे लगता है आज से 3-4 साल पहले कभी इंडिया ने जो यूएस कैंसर का मेडिसिन का मोनोपोली यूएस के पास है, तो उसके केमिकल कंपोजिशन को लेकर के इंडिया ने डेवलप कर दिया था, इंडिया की फार्मा कंपनी ने डेवलप कर दिया था, जिस पे यूएस ने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्शन भी उठाया था, बाद में यूएस जो केस वो जीत गई। अच्छा, एनीवे, तो हम इस पे आते हैं। तो देखिए क्या है कि जनार्दन जी, अगर हम थोड़ा बिगर पिक्चर में देखें तो कोई भी हम बिजनेस जब करते हैं, दवाई भी कंपनी का एक बिजनेस करती है, तो बिजनेस करने में दो तरह के मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक है मिल्टन फ्रेडमैन है जो कि इकोनॉमिस्ट है, जो कहते हैं बिजनेस और बिजनेस इज ओनली बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस आप करें उसका सिर्फ एक ही बिजनेस है, बिजनेस करना, धंधा करना, प्रॉफिट करना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, अमर्त्य सेन ने यह कहा कि इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं एथिक्स का रोल है, एंड वी शुड डेफिनेटली इन्फ्यूज एथिक्स इन इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स इज नथिंग बट इट्स अ प्लेन सब्जेक्ट। अच्छा, तो अमर्त्य सेन हमेशा ये बात करते हैं कि बिजनेस में हमें इकोनॉमिक्स एथिक्स को जरूर जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जितने भी फार्मा कंपनीज है, जब भी फार्मा कंपनीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ये मानना है कि उसमें एथिक्स जरूर आना चाहिए। अब अगर फार्मा कंपनी में एथिक्स को हम लेकर के आ रहे हैं तो कहाँ एथिक्स को लेकर आ रहे हैं? सबसे पहला तो टॉपिक ये आता है कि फार्मा कंपनी किस चीज के लिए मेडिसिन बना रही है। मान लीजिए हमने ये देखा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है जब भी ये मेडिसिन बनाती रिसर्च करती है तो जनरली ऐसे डिजीज जो कि ज़्यादातर अमीर लोगों में डिजीज़ है, लाइक अगर हम डायबिटीज़ बोल सकते हैं, तो ये उन पर रिसर्च ज़्यादा करती है। लेकिन अगर मान लीजिए ट्राइबल्स में कोई डिजीज़ ज़्यादा व्याप्त है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या फिर झारखंड में ट्राइबल्स है, या फिर अंडमान में जो ट्राइबल्स है उनके अंदर कुछ यूनिक डिजीज़ पाए जाते हैं, उस पर ये जो कंपनीज रिसर्च नहीं करती है, तो कंपनीज़ को रिसर्च करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए सारे लोग एक होने चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पर जो मकसद नहीं होना चाहिए। दूसरा आते हैं रिसर्च का मोड आपका क्या होना चाहिए, जब आप रिसर्च किस मोड से करते हैं। अच्छा, रिसर्च के मोड में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर जो अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड देखेंगे तो जर्मनी ने मेडिकल में बहुत एडवांस किया। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि हिटलर के अंदर में जर्मनी था और उसमें क्या होता था कि जितने भी हिटलर तो तानाशाह था, वो क्या करता था, जितने भी ज्यूस वहां पर थे या फिर जो नॉन जर्मन्स थे उनको बुला करके उनके ऊपर में क्या करता था कि वो एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर देता था। अच्छा, जिस तरह से जर्मनी जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया। हम सेम चीज़ देख सकते हैं, कुछ साल पहले एक न्यूज़ में आया था बिलगेट्स की जो कंपनी है, बिलगेट्स की कंपनी ने जो फाउंडेशन है बेसिकली बिलगेट्स का, उसने कुछ वैक्सीन का ये किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गर्ल्स पे, और जो ट्राइबल गर्ल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उनको बताया भी नहीं गया था कि उनके ऊपर किसी वैक्सीन का क्या किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है किसी मेडिसिन का। तो सबसे पहला आप रिसर्च किस का, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर टू मोड ऑफ रिसर्च क्या है, नंबर थ्री जब आप रिसर्च से उस जीत को हासिल कर लेते हैं तो हासिल करने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन का अगर हम एग्जांपल ले तो कोविड वैक्सीन इंडिया के पास में, कोविड वैक्सीन उस समय भी लिमिटेड था, लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वैक्सीन को कहीं ना कहीं पुअर कंट्रीज में, मालदीव्स वगैरह में क्या क्या एक्सपोर्ट किया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जब इनके पास में किसी ऐसी बीमारी का फॉर्मूला इनके पास रिसर्च में लग जाए, जैसे कि कैंसर की अगर हम बात करें खास करके, तो कहीं ना कहीं इनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पुअर कंट्रीज है या फिर जो पुअर स्ट्रेटा है,
अगर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो पॉलिटिक्स की बात चल रही है, जो जो नॉर्दर्न कंट्रीज है वो अमीर कंट्रीज है और बोलती है कि हम अपने जो है इस फार्मूलाज को शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस बिगर पिक्चर में हमारा ये मानना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर में एथिक्स को इन्फ्यूज किया जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने जो एग्जाम्पल दिया कि दवाइयाँ टेस्ट में फेल हो रही है या फिर दवाइयों में बहुत सारी हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी हम जो वहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे। तो अजय जी का ये कहना है कि यह दवाइयों का फेल हो जाना महज सिर्फ कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मसला नहीं है, देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित है। एक बार चलते हैं थोड़ा सा इसके क्लिनिकल और वो जो पहलू है जो हमारे आम जन को इम्पैक्ट कर रहा है उसके लिए चतुर्वेदी जी के पास। सर, ये एक कॉमन फिनोमेना है, जहन में ऐसी बात रहती है कि ये जो दवाइयाँ हमारे बीच हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ये सब कुछ इसमें ठीक है, इसको खाने से ठीक होता है, और जिन दवाइयों को चेक किया गया है अभी उनमें से कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुतायत में यूज़ होती हैं, कई बार लोग डॉक्टर से पूछना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, अपने से वो उन दवाइयों को ले लेते हैं। तो उन दवाइयों के पीछे ये जो टेस्ट करना, फेल हो जाना और फिर इस तरह से रैंडम चेक उनका किया जाना, इनका क्या कोई ऐसा नियम है कि कब चेक किए जाएंगी ये दवाइयाँ? देखिए, बिल्कुल नियम है, बिल्कुल नियम है, लेकिन हम भारत के परिवेश में अगर बोले हैं जी, तो हमारा देश तो ऐसा है या दुनिया के जिस भी देश ने, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो बोल रहे थे कि जो कोविड का वैक्सीन है तो एस्ट्राजेनिका ने भी लॉन्च किया, रसिया वालों ने भी लॉन्च किया, भारत ने भी लॉन्च किया, ठीक है। इसमें एक आम जने को फौरी तौर पर राहत के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने किया जी। हमारा पीठ थपथपाया जाना चाहिए था तो उस पर भी पॉलिटिक्स हुई और उसको इस तरह से बताया गया कि हमारी जो वैक्सीन है हमारे यहाँ जो वैक्सीन बनी वो सब स्टैंडर्ड वैक्सीन है और जो दूसरे जगह बनी वो अपर स्टैंडर्ड की वैक्सीन है जी। लेकिन सोचने की चीज ये है कि इस वायरस के बारे में हम जानते तो थे, हम कोई भी MBBS किया है तो ये कोविड के विषय में जरूर जानता था, पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो किसी को नहीं था। राइट, उस वैक्सीन का DNA मोल जो है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, उसकी RNA के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उसकी रेप्लिकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी हमें। हाँ जी। अब एक बात बताएं कि जब उस रेप्लिकेशन के बारे में हमें पता नहीं था, ठीक है, तो फौरी तौर पर कुछ डेवलप करने के लिए जिससे हमारे मास को ज्यादा से ज्यादा मृत्यु ना हो, ठीक है, और अगर अफेक्ट होता है तो उतनी ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए हमने वैक्सीन बनाया जी। दुनिया के और देशों ने भी बनाया, हमने भी बनाया जी जी। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को हमने नहीं देखा उस समय, हमारे लिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये था कि हमें लोगों को बचाना है। कोविड की वैक्सीन के बाद जो ये कंडीशन हो रही है, बीइंग ए डॉक्टर तो हम तो ये समझते हैं ना कि उससे क्या हानि हो रही है या क्या हुई है, ये हमें पता है। ठीक, ऐसी चीजें हैं, अभी जो मेडिसिन जो हमारे पास है जी। अब ये पोटेशियम क्लेविलनेट और एमोक्सिसिलिन की जो कम्बिनेशन है क्लेवम 625 ये फेल हुई है जी। ठीक है, पैनक्लेव 625 फेल नहीं हुई होगी? नहीं, इसकी सूची में नाम नहीं है। हाँ, इसकी सूची में नाम नहीं है, ये सोचने का विषय है। हम उसके पीछे की राजनीति वजनीति नहीं जानते साहब, हम सिर्फ ये जानते हैं उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग। एक मैंने रेंडमली आपको बता दिया कि पैनक्लेव नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है। दोनों का सॉल्ट एक जगह पे बनाया जाता है, दोनों की पैकेजिंग एक जगह पे होती है, उस पैकेज पे मुहर अलग अलग जगह पे लगता है और एक फेल हो जाता है, एक फेल नहीं होता है। अब ये हमें बताएं, ये चीज बींग ए डॉक्टर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये अगर फेल होता तो इस कंपोजिशन को दोनों को ही फेल हो जाना चाहिए था जी। हाँ, इस तरह की अन्य दवाएं भी हैं हाँ, जो सेम कंपोजिशन में अवेलेबल है, तो ये सोचने की बात है। और इसमें भ्रामक जो चीजें आ रही है ना कि ये फला 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 चीजें फेल हो गई, ये फेल हो गई, वाकई में कैसे फेल हो गई ये सोचने का विषय है। और अगर फेल हुई है जी, तो किस स्टैंडर्ड में फेल हुई है,
ये समझने की जरूरत है कि अगर ये फेल हो रही है तो ये कहां पे जाके ऐसा खराब इम्पैक्ट लेकर आएगा, है ना। और अगर वाकई यहां पे एक ले लेते हैं छोटी सी अजय जी की। अजय जी, जो एक सवाल है कि सेम कॉम्पोजिशन में अन्य दवाइयां भी मार्केट में अवेलेबल हैं, मुमकिन है कि उनकी जांच न हुई हो, मुमकिन है कि वहां तक वो पहुंचे न हो, इस वजह से उनको फेल नहीं किया। लेकिन एक सवाल मन में तो आता है, अगर कोई एक आम आदमी दवाई लेने जाता है, एक दवाई का वो पर्चा उठाता है, एक उसके पास 15 दवाइयों का पूरा पत्ता है, दूसरा पत्ता भी है सेम कॉम्पोजिशन है, एक फेल है एक नहीं फेल है, क्या कोई इसके पीछे राजनैतिक स्थिति पैदा होती है? इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बस इसमें जो एक सोचने वाली बात है जी, कालपोल 500 फेल होती है, कालपोल 650 फेल नहीं होती है जी, सॉल्ट सेम जी, सॉल्ट बनाने का जगह सेम, क्वांटिटी का पैकेजिंग भी सेम, क्वांटिटी केवल थोड़ा अलग अलग, और एक पास और एक फेल जी। जी अजय जी, देखिए मेडिकल साइंस का मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैं एक जनरल बात पे ये कह रहा हूँ कि जैसे कि क्या होता है, हम यहाँ बात बेसिकली अकाउंटेबिलिटी की कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अकाउंटेबिलिटी सवाल ही वही है। जी जी बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी है वो जिन सर्विसेज को ऑफिसर्स के थ्रू आती है, वो यूपीएससी उनको सेलेक्ट करती है, जो कि हर साल एग्जाम लेती है, जिसमें कि पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, वगैरह वगैरह सर्विसेज में आती है। लेकिन ये बात हमेशा आ रही है जब भी हम ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, तो उसमें ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग फील्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम साइबर की बात करें, साइबर एक इमर्जिंग फील्ड है आपका, मेडिकल साइंस में जो एडवांसमेंट आ रही है वो एक इमर्जिंग फील्ड हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है एक इमर्जिंग फील्ड है। तो इन इमर्जिंग फील्ड्स को के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए हमारे पास अभी इतने पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो कि धीरे धीरे मुझे लगता है वक्त के साथ में गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। एक डॉक्टर को कि अकाउंटेबिलिटी वही फिक्स कर सकता है जो कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर से ज्यादा जानता हो, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से चतुर्वेदी सर के पास आते हैं। वो जो एक आम सवाल जो लोगों ने ये दवाइयां खरीद करके अपने घरों में रख ली हैं, उनके जहन में हो कि इसको फेंक दें, ये किसी काम की नहीं है, अन्यथा इनका क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है, इसका साइड इम्पैक्ट क्या आएगा, इफेक्ट जो बात होती है। देखिए मेरा जो इसमें मानना है वो ये है कि जो मानक है जी, मानक को जिसने ये बताया कि ये टेस्ट में फेल हो गई है, अच्छा, उसी मानक संस्था को ये बताना चाहिए कि इसी कंपोजिशन के ये फला पास है, या इनको छोड़कर सब पास है, हाँ, ताकि वो भ्रम की स्थिति न बने। ठीक है, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? कालपोल 500 अगर फेल हो गया, ठीक है, आपका कहना है डोलो 500 भी फेल हो गया, मतलब 500 mg की जो कंपोजिशन है, जितनी भी पारासिटामोल, वो फेल हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी आप बताइए उस चीज को। कि भाई अभी इंपैक्ट शरीर पर कुछ है अगर अगर ये दवाइयां फेल, अगर कोई खा रहा है नहीं, यहां बात ये है कि आज के तारीख में जब से खास करके ये गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट जो आई है, तब से कुछ चीजें तय की गई हैं, उनकी मानक तय की गई हैं, उनकी तौर तरीका में बहुत सारा चेंज आया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, चेंज ये आया है कि अभी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें स्कैन करने के लिए कोड दी हुई है जी, ठीक है, बार कोड है और ढेर सारे कोड हैं। उस कोड के माध्यम से उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, टोटल चीजें देखी जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि वो एक क्राइटेरिया हो गया, लेकिन अगर वो स्पूरियस है, सपोज वो स्पूरियस है, तब तो पूरे तरीके से वो हानिकारक है। ठीक है, और ये कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है, कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये किस रूप में इसको आप ना लें, किस रूप में ये खराब है, ये कहीं भी तय नहीं है। आप रिपोर्ट उठा करके देख ले, कहीं पर भी ये तय नहीं, ये बताया गया है फला 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 कंपाउंड इनके स्टैंडर्ड बिलो है, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसको हम बैन कर रहे हैं या हम रोक रहे हैं। ऐसा बैन वो तो ऐसे तो नहीं किए हैं कि कहे नहीं ये इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। अगर वो स्पूरियस है तो निश्चित तौर पर वो खराब है। और जहां तक बात और आती है
अगर साइड इफेक्ट की बात होती है तो साइड इफेक्ट्स की अगर बात आती है तो 500 mg में अगर साइड इफेक्ट आएगी तो 650 में भी पक्का उससे ज्यादा साइड इफेक्ट आएगी। ठीक है, पेंटाप्रोजोल अगर वो स्पूरियस है, जो सैंपल आपने उठाया उस स्पूरियस है, दैट नेवर मीन कि पेंटाप्रोजोल का कॉम्बिनेशन खराब है, उससे खराब इम्पैक्ट आ रहा है। जी ठीक है, इस पर एक फाइनल टिप्पणी दोनों लोगों की तरफ से लेते हैं। एक सवाल अजय जी आपसे है, बात अकाउंटेबिलिटी की हमने की है, बात हमने जो इस दवाई के इम्पैक्ट और नहीं इम्पैक्ट है उस पर भी की है। आम जन जो है ना वो इतनी तकनीकी चीज़ों को, इन बातों को नहीं समझते हैं। तो जो बात निकल करके आ रही है कि जिस नियंत्रक ने यह जारी किया कि ये इसमें समस्याएं हैं, क्या उन्हें इस तरफ जाना चाहिए था कि क्या चीज़ें इसमें खाने योग्य हैं उस तरफ भी, लेकिन उसकी लंबी फहरिस्त हो जाती, कैसे इसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का आम लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्हाट आर बेसिक डूज एंड डोंट्स, ये जनता के सामने ज़रूर आना चाहिए। अदरवाइज पब्लिक जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे कि आपने कई सारे सवाल डॉक्टर साहब से पूछा, तो आपने कई सारे सवाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा स्मेल लग रहा था कि आप जनता के जो कन्फ्यूज़न है उसको आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी इस तरह के तकनीकी चीज़ें खास करके मेडिकल को लेकर के अगर आ रहा है तो एक बहुत क्लैरिटी के साथ में जनता को बताना चाहिए कि आपको आज से इन दवाइयों को लेकर के क्या करना है और क्या नहीं करना नहीं करना है। यही सवाल मैं दोहराऊँगा सर आपकी तरफ से भी और चतुर्वेदी सर कि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हाँ जी जी, देखिए जब हमने नोटबंदी इस देश में देखी थी तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर के ये कहे थे ना कि इतने दिनों तक आपके पास जो नोट एग्जिस्टिंग नोट है उसको आप बैंक में जाके बदल लें या किसी संस्था में जाकर बदल लें, ये कही गई थी ना। हाँ जी। हाँ, तो क्या जब इतने सारे जरूरी दवाओं को आप जब हटाएंगे अपने पास से, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटाएंगे तो आपको तो ये क्लियर करना पड़ेगा ना। आपने जैसे एकदम से क्लियर बोल दिया कि नहीं पैन डी से ऐसे हो रहा है जी, तो क्या पेंटोसिड डीएसआर तो ले सकते हैं ना। ठीक है, सेम कंपोजिशन है, बहुत से दवाइयां जिनके सॉल्ट लगभग बराबर है। हाँ, आप तो ब्रांड नेम के हिसाब से हटाए हैं जी, केवल एक पारासिटामोल को बोल करके बाकी सब तो ब्रांड नेम से है, तो उसे आप हटाए हैं किसी रीजन से तो उसके अगेंस्ट में जो भी उसके दूसरी है ब्रांड उसको तो आप ले सकते हैं ना, ये क्लियर होना चाहिए। जब भी आप हटाएं तो वो ले सकते हैं, चूंकि ये बिल्कुल जो है कि वो व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ जी, जनता भ्रमित ना हो, लोग आम जने जो टेक्निकलिटी नहीं जानते हैं वो भ्रमित ना हो, उसका भी उपाय होना चाहिए साथ ही साथ, उसका भी उपाय साथ ही साथ होना चाहिए। जैसे ये लिख करके भेजा गया है कि डायबिटीज की भी मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन में सिर्फ आपने ग्लिम्पराइड के बारे में बोला है, ठीक है, उसके अलावा कोई सा भी कंपोजिशन के बारे में आपने नहीं कहा है। ग्लिम्पराइड हटा दीजिए, मेटफॉर्मिन से काम चलता है, ग्लिम्पराइड आप हटा दीजिए, पायोग्लाइटाजोन है, सिटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, इम्पाग्लिप्रोजिन है, ढेर सारे कंपाउंड है जिसको कि यूज किया जा सकता है। सिर्फ ये हटाया गया है कि ये ग्लिम्पराइड उसमें से उसकी स्टैंडर्ड सही नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो ये देखिए बहुत साफ गोई से सामने निकल करके आ रहा है जब हम उस विशेषज्ञ के विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं कि जो दवाइयों पर अभी बात हुई है कि वो खाने योग्य नहीं है, उसमें कोई इतनी बड़ी पैनिक की स्थिति नहीं है। वह स्थिति ऐसी है कि कुछ एक कंपनियों की जाँच की गई है जिनमें वो बिलो स्टैंडर्ड जो उस नियंत्रक बोर्ड है उनको लगा है कि ऐसी इन दवाइयों को खाने से हमें वह लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ आपको दवाइयां खाने से मिल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि उसको खाने से आपके अंदर कोई ऐसी बड़ी, जैसे कि एक्सपायर्ड दवाइयों खाने से आपको कई बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। यह जो मामला है इसको इसी रूप में फिलहाल देखा जाना चाहिए। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह की जानकारियां आपके बीच आ रही होंगी अन्य अन्य प्लेटफॉर्मों से, उनको पहले क्रॉस चेक करिएगा, कहीं भी किसी भी भ्रामक फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ के किसी भी दवाई के इम्पैक्ट या उसके साइड इफेक्ट के बारे में अधिक उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यही निकल करके इस डिबेट से आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।